Hello guys, I'm Ravi from YouTube channel Tricky English Express. Once again, how to use either and neither. So let's get start now this lesson. Either का हम लोग use यहाँ पे सीखेंगे either और neither. But यहाँ either मैं एक बात बता दूँ आपको कि either को either भी कहते हैं, ठीक ना? चलो, ये either और neither ये दोनों pronoun और adjective है. और either means one, neither means none. इनमें से कोई नहीं, ठीक ना दोस्तों? Either is a positive word, will neither is negative word. Neither equal to not plus either. या either इसको बोल सकते हो आप. चलो हम लोग सबसे पहले either के use यहाँ देखते हैं. Either के use दो या दो में से कोई एक के लिए singular countable noun के पहले किया जाता है. ठीक, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं example. Either is ready to learn English. यहाँ जो आइदर दिख रहा है ये प्रोनाउन है और इसके लिए मैंने इज का यूज किया. ठीक, सिंगुलर प्रोनाउन है. आइदर एक सिंगुलर प्रोनाउन है जो मैंने इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी यूज किया है. ठीक ना, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं. यहाँ पे आइदर बॉय इज हैंडसम, दो में से एक लड़का सुंदर है. तो यहाँ आइदर जो मैंने यूज किया वो बॉय से पहले, तो ये नाउन है, बॉय नाउन है और नाउन से पहले हम लोग एडजेक्टिव को यूज करते हैं. तो यहाँ आइदर मैंने एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर रहा हूँ. ठीक ना दोस्तों. चलो अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं. आइदर पेन इज ब्लैक, दो में से एक कलम काला है. तो यहाँ भी आइदर के यूज मैंने एडजेक्टिव के लिए किया. हालाँकि आइदर ऑफ के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये इसके लिए आप एग्जांपल यहाँ देख लो. आइदर ऑफ द बुक इज रेड, तो यहाँ बुक जो दिख रहे हैं ना बुक्स, तो बुक्स ये प्लुरल काउंटेबल नाउन है और उसके लिए मैंने आइदर ऑफ का यूज किया. आइदर के बाद कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं करते हैं. जैसे एग्जांपल आइदर कॉफ़ी, आइदर टी, तो ऐसा आप कभी नहीं करोगे. और आइदर के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन भी यूज नहीं करते हैं. आइदर पेंस, आइदर बुक्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल. चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाइदर की ओर. दोस्तों नाइदर के यूज दो में से कोई नहीं के मीनिंग में किया जाता है. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है और इसका मीनिंग होता है नन ऑफ टू. नाइदर गर्ल इज फुल, तो ऐसा आप यूज कर सकते हो. ठीक ना, प्लुरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं. लेकिन क्या चीज़ यूज नहीं करते ये देखते हैं हम. नेवर यूज नाइदर के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं होता है ना. सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नाइदर को यूज नहीं करते. जैसे नाइदर कॉफ़ी, नाइदर टी, नाइदर वाटर, ये सब नहीं यूज करते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट नाइदर से रिलेटेड. नाइदर के यूज प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है. एग्जाम्पल नाइदर डेस्क, नाइदर बुक्स, तो ये आप कभी नहीं करोगे. ओके गाइज, दोस्तों आइदर और नाइदर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया वो मुझे आशा है कि ये पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा. इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. मुझे इंतज़ार रहेगा. थैंक यू.